What is up, ladies and gentlemen? स्वागत है आप सभी का एक और नए एक्साइटिंग ई-स्पोर्ट्स 360 के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से टीम VLT पहुंच चुकी है चेन्नई फॉर देयर APAC मैचेस। उसके बाद बात करेंगे टीम सोल के नए BGMI लाइनअप के बारे में, जानेंगे कि स्काई स्पोर्ट्स ने किसको चुना है अपना ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर फॉर द ईयर 2022। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग ई-स्पोर्ट्स 360। व्हाट इज अप लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत है ई-स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम VLT फाइनली चेन्नई पहुंच चुकी है और वहां से वो अपने APAC के मैचेस खेलने वाले हैं। टीम के मैनेजर यूफो अपनी एक लाइव स्ट्रीम पर आए थे और उन्होंने बताया था कि थाईलैंड और सिंगापुर जाने में उनको क्या चैलेंजेस आ रहे थे। लेट्स हैव अ लुक। सो थाईलैंड इसलिए हम लोग नहीं गए क्योंकि पहला सबका ये फैक्ट क्लियर कर देता हूं, वी गॉट द वीजास फॉर थाईलैंड एंड वी वुड हैव गॉट वीजास फॉर सिंगापुर ऑल्सो विद इन 2 डेज। सो हम लोगों को मिल गया था वीज़ा वॉज नॉट द फैक्टर फॉर सिंगापुर। सो हम लोग सिंगापुर इसलिए नहीं गए क्योंकि सिंगापुर में हम लोगों को प्रॉपर PC नहीं मिल रहा था, प्रॉपर PC का सेटअप। इट्स नॉट लाइक वी वेर नॉट गेटिंग एनीथिंग, वी वेर गेटिंग PCs, बट हम लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो हमारा जो रिक्वायरमेंट था, वो पूरा नहीं हो रहा था। लाइक वी वॉन्टेड BenQ के मॉनिटर्स, तो हमें GigaByte, Asus, Yasus जो भी बोलते हैं, इन कंपनीज के 240Hz के मॉनिटर मिल रहे थे एंड द PC सेटअप्स वी आर गेटिंग। नो साउंड करो ना भाई लोग, क्यों राडा कर रहे हो? तो हम लोगों को फिर जो PCs मिल रहे थे, दे वेर नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग स्मूथ FPS। लाइक वी वेर गेटिंग i5 9th जनरेशन और समथिंग लाइक दैट, नॉट इवन RTX और जो बाकी कुछ सिंगापुर के टीम्स ने बुक करके रखा था। तो हम लोग को मतलब किसी से भी एक श्योर शॉट PC का वो नहीं मिल रहा था कि यू नो वी आर नॉट गेटिंग अ श्योर शॉट लीड्स टू गेटिंग अ PC। प्लेइंग एरिया मिल गया था बट यू नो PC का नहीं मिल रहा था। तो वी हैड अ वेरी लेस टाइम टू डिसाइड कि हमें PC कहाँ मिल रहा था। पहला चैलेंज था PC का। तो जब हमें पता चला कि वी आर गेटिंग गुड PC सेटअप इन थाईलैंड, द वन वी वॉन्ट, अरे आई नो Asus का अच्छा होता है, GigaByte का भी 240Hz अच्छा होता है, बट देन द थिंग इज कि वी आर यूज टू प्लेइंग BenQ, समझ रहे हो वो चीज़। PC उठाकर नहीं जा सकते, नहीं कस्टम लगेगा। रात को जब हम लोग डिसाइड करे थे, व्हेन वी वर डूइंग आवर R&D, वी गॉट टू नो कि वी आर गेटिंग अ स्टेबल, वी गॉट अ प्रॉपर गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट PC फ्रॉम थाईलैंड। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल रादर गो टू थाईलैंड। नाउ मेनी ऑफ यू विल बी टेलिंग कि वाई थाईलैंड एंड नॉट चेन्नई, क्योंकि एक ही पिंग है ऑलमोस्ट, 5 या 10 पिंग का डिफरेंस, उसके लिए आप थाईलैंड जाओगे क्या फायदा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम सोल भी फाइनली अपना BGMI लाइनअप रिलीज कर चुकी है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। द न्यू लाइनअप हैज सोल ओमेगा एज द IGL एंड एंट्री फ्रैगर। सोल अक्षत असॉल्टर रहने वाले हैं, बॉबलिन भी असॉल्टर और स्काउट की पोजीशन पर रहेंगे एंड हेक्टर विल बी द रोल ऑफ सपोर्ट एंड स्काउट। टीम हैज बीन डूइंग गुड लेटली अंडर मॉर्टल्स गाइडेंस और हाल ही में उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम में सेकेंड पोजिशन भी हासिल करी थी। सो ऑल द बेस्ट टू दिस न्यू लाइनअप। Sky Sports in one of its biggest partnerships yet has tied up with Rooters और Sky Sports ने अपने media rights 2022 के लिए Rooters को बेच दिए हैं। Sky Sports and Rooters ने हाल ही में partnership की for all the major tournaments by Sky Sports for the year 2022। ये इस साल का एक बड़ा deal है। Sky Sports as we know काफी सारे tournaments कराती है for BGMI, Valorant and Supercell games and the kind of viewership they get is very impressive। तो इसको एक नॉच ऊपर लेकर जाते हुए स्काई स्पोर्ट्स ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रूटर्स के साथ हाथ मिलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय।